मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक अद्भुत और रहस्यमयी पेंटिंग है। चलिए इसके बारे में आज हम कुछ जानते हैं। उससे पहले वीडियो को प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोनालिसा पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य इसकी मुस्कान है, जिसे अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई पड़ती है। इस पेंटिंग के बारे में आज तक बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। यह पेंटिंग आज से तकरीबन 500 साल पहले इटली के मशहूर दार्शनिक लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में 14 साल का वक्त लगा था। मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने में 12 साल का समय लग गया था। फ्रांस के एक मशहूर आर्टिस्ट ल्यूस मास्पेरो मोनालिसा पेंटिंग और उसकी मुस्कान के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपने होटल की छत से कूदकर इसके लिए अपनी जान दे दी थी। इस पेंटिंग को ऑयल पेंट के 20 से 40 परतों में बनाया गया है। यह पेंटिंग कई बार म्यूजियम से चोरी हो चुकी है और इसकी चोरी होने के बाद इस पेंटिंग की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है, जिसे लियोनार्डो के ही एक छात्र ने बनाई थी। इस पेंटिंग की भारतीय रुपयों में कीमत 6400 करोड़ रुपए है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।